Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone. Now we are here just to understand some examples. जिसे हम प्लेइंग विद नंबर्स का जो एक्सरसाइज है लास्ट वाला वो सॉल्व कर पाएंगे और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, देखिए ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये पजल्स की तरीके के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे लिखा भी है नंबर पजल्स एंड गेम्स, तो पजल के तरीके के हैं, पहेली के तरीके के क्वेश्चंस हैं आपको जो सॉल्व करना है, आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा इसमें। और ये कैसे करके करना है वो देखिए मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल वन ले लेंगे। इफ़ वी डिलीट the numeral occurring in both the numerator and the denominator of the fraction 26 upon 65, we don't change its value because 26 upon 65 is equals to 2 upon 5. मतलब अगर हम एक नंबर ले लें 26 upon 65 में से, अगर हम 6 को डिलीट कर दें यहाँ से, तो आप देखेंगे कि जो नंबर बनेगा वो 2 upon 5 बनेगा 6 को डिलीट करने पर, और वो नंबर की वैल्यू नहीं चेंज होगी क्योंकि 26 अपॉन 65 को जब रिड्यूस करेंगे 13 से तो 2 अपॉन 5 हमको मिलता है। व्हाट अदर फ्रैक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट्स फिगर्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी सिमिलरली रिड्यूस्ड। तो टू डिजिट जो फिगर्स होती हैं, दो डिजिट के नंबर होते हैं, उनमें से कौन सी और ऐसी हमारी फिगर बन सकती है जिसको हम ये डिजिट्स को रिड्यूस कर दें तो हमको सेम नंबर वही मिल जाए। अब देखिए जो नंबर हमारा दिया गया था उस नंबर को कैसे फॉर्मेशन में लाया गया, 10x प्लस वाई जो फ्रैक्शन है वो जनरल फॉर्म में कैसे हो जाएगी, 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड। यानी कि हमारा ये देखिए जो नंबर आना चाहिए वो एक नंबर मैच करना चाहिए वाई। आप देखिए इस तरीके से जैसे 6 मैच कर रहा था, यहाँ पर टेंस के प्लेस में न्यूमरेटर में डिफरेंट नंबर होना चाहिए और वंस के प्लेस में डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर होना चाहिए। और उसको सॉल्व करने से जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 2/5, यानी कि x अपॉन जेड मिलना चाहिए हमको यहाँ पर। इस तरीके से हमने एक जनरल फ्रैक्शन का फॉर्म बना लिया है इसी को देख करके। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 10xz प्लस yz इज इक्वल्स टू 10yx प्लस जेड एक्स। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे आप तो एक्स जेड वाला नंबर हम एक तरफ लेकर के आएंगे, तो एक्स जेड वाला नंबर एक तरफ लाने पर हमको मिलेगा 9xz। ये देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये राइट साइड पे जाएगा, तो इसमें से कॉमनली इन्होंने वाई निकाला हुआ है, वाई कॉमन निकाला तो बचेगा 10x माइनस जेड। अब जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखिएगा कि वाई मस्ट बी 3 और ए प्रोडक्ट ऑफ 3 बिकॉज अदरवाइज 10x माइनस जेड मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये जो y है इसको बताया जा रहा है कि ये जो y होना चाहिए ये 3 होना चाहिए या 3 का ही कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि ये जो नंबर है 10x माइनस जेड ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी यहाँ अगर 3 नहीं हुआ या 3 का कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ तो ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा, तो मस्ट बी डिविजिबल बाई 9 विच इज़ इम्पॉसिबल। तो यही लाइन बताई गई कि आपको नहीं होगा ये, एक्सेप्ट फॉर द केस एक्स इज इक्वल्स टू जेड। अगर एक्स और जेड आपस में इक्वल हो जाएँ तो भले ही ऐसा हो सकता है कि हमको यहाँ पर एक्स और जेड आपस में इक्वल हो जाएँ तो हमको यहाँ 9 मिलेगा, जबकि हमको ये इक्वल लेना नहीं है, तो हमको 3 या 3 का प्रोडक्ट ही देखना है। तो नंबर्स में देखेंगे हम कि अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, सपोज़ करिए हमने यहाँ पर 3 लिया y के हिसाब से, तो फ्रैक्शन जो हमको चाहिए उस तरीके की फ्रैक्शन हमारी एक तो दी गई थी 26 अपॉन 65, एक और जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 16 अपॉन 64 हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, एक हो जाएगी 19 अपॉन 95 और एक हो जाएगी 49 अपॉन 98, क्योंकि इसको भी जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये 1/2 के फॉर्मेट में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ही नंबर ऐसे हो सकते हैं
जिनको रिड्यूस करने पर ये नंबर, देखिए नंबर मिलेंगे कैसे, ये नंबर आपको, आप सोचेंगे कि 49 कैसे आ गए, 98 कैसे आ गए, तो ये नंबर हमको सेम रखना है। सेम नंबर रखते हुए हमको ऐसे नंबर्स के बारे में सोचना है जो नंबर रिड्यूस हो सकें, तो ये नंबर हमको सोच करके ही मिलेंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू दैट टेस्ट योर IQ, एग्जाम्पल 12 है ये। वॉट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द नंबर सीरीज 15, 32, 31, 60, 177, 704 एंड 3515 देन क्वेश्चन मार्क। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इसके देख के आप जान जाएंगे कि ये जो 15 है ये नेग्लिजिबल है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वी आर अनेबल टू मेक द सीरीज़। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया हुआ है। अब 32 से शुरू करते हैं, 32 में से मल्टीप्लाई 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, यानी 1 जा एंड देन माइनस 1, तो वी विल गेट 31। इसके बाद 2 जा करेंगे और 2 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 60। इसको 3 जा करेंगे, 3 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 177। इसको 4 जा करेंगे, मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 करेंगे, वी विल गेट 704। इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे और माइनस 5 करेंगे, देन वी विल गेट 3515। तो जो सीरीज़ चल रही है आपने देखा, उसमें 1 जा किया और 1 माइनस किया, 2 जा किया, 2 माइनस किया, इसी तरीके से लास्ट में हमने 5 जा किया और 5 माइनस किया। तो नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए, हमको नेक्स्ट नंबर लेने के लिए, इसको 6 जा करेंगे और 6 माइनस कर देंगे। तो जब हम 6 जा करके 6 माइनस करेंगे, देन ओनली वी विल गेट 21084 एंड इट इज़ रिटन इन 21084। ये तो यहाँ कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज में आ जाएगा, यानी आंसर ई विल बी करेक्ट। सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन। रेस्ट रिमेनिंग एग्जाम्पल्स यू विल हैव टू रीड बाई योर सेल्फ एंड इन एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। सो I am ending this video here. Take care of yourself and your family. Bye.